दूसरी तरफ युवाओं की आप समस्याओं को लेके जब बात आमरण अनशन पर हो, तो एक बात और, जैसे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, गहलोत सरकार ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो बेरोजगार युवा योग्यताधारी हैं उन्हें 3,000 और महिलाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ दिनों तक तो मिला, फिर बंद कर दिया गया उसमें सुधार की बात को लेकर। और शायद आपको ध्यान हो कि दोबारा अब युवा संबल योजना के नाम से उस भत्ते को चालू किया गया, लेकिन उसमें शर्तें रख दी कि जो योग्यताधारी होगा वो पहले 4 घंटे किसी नज़दीक के सरकारी कार्यालय में काम करेगा, तभी उसे वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सही है कि 4 घंटे काम करके ही उसे भत्ता दिया जाए? सरकार ये दिखाना चाहती है जैसे बच्चों को भीख दे रही है, खुद ही वादा करती है और खुद ही वादे से पलट जाती है। बच्चा पढ़ाई करेगा या अपना वो करेगा, नौकरी करेगा? और वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से 4 घंटे अगर काम करके 3,000 रुपये भत्ता, उसका मतलब नरेगा में जो मजदूरी मिलती है उससे भी कम राशि, 100 रुपये दिन का, इससे अच्छा तो कहीं स्कूल में पढ़ा के कहीं और रोजगार करके इससे ज़्यादा कमा लेगा। ये एक तरीके से देखा जाए सरकार की वादा खिलाफी है, अपनी घोषणा पत्र में जो चीज़ों का वादा किया था उनमें से कोई भी चीज़ पूरी होती नहीं थी। बात मैं करूं कि आज जिस युवाओं की जिन पीड़ा को लेके विकास जाखड़ जी ने ये आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया है, मैं मेरे झुंझुनू जिले के नौजवानों से एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ आपको सीधे डायरेक्ट जोड़ती है। आप इतने दिनों से बेरोजगारी से परेशान हैं, शिक्षित हैं, योग्यताधारी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, और भर्तियां जो निकाली जाती हैं, एग्ज़ाम होता है, उनमें जिस तरीके से धांधली होती है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगुवाई करने के लिए विकास जी आपके बीच अपने पद को छोड़ कर आए हैं, उम्मीद रहेगी कि जिले का युवा अब सड़कों पर आएगा, उतरेगा और इस तानाशाह सरकार से लड़ने का काम करेगा। हमारे साथ युवा साथी हैं दोरासर से राजेश जी, आज से 5 युवा साथी हैं वो कार्मिक अनशन पे बैठेंगे, विकास जी जाखड़ हैं उनके इस अनशन की शुरुआत माला पहना के करवा रहे हैं, राकेश जी हैं, राकेश जी जाखड़ विकास जी मरिया विकास जी मेरिया दोरासर से नार सिंह जी क्लोथ कला, ये सारे युवा साथी वो हैं जो आज से कर्मिक अनशन पे यहाँ बैठ रहे हैं। कपिल जी जाखड़ जो जाखड़ा के पास के।